डियर स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन टॉपिक मैकेनिक्स का एसएचएम टॉपिक में लेक्चर नंबर 4 ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 5 बेटा हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 5 और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी या पार्टिकल इन एसएचएम। क्यों बेटा पार्टिकल की एनर्जी पढ़ा जाता है? इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि जब कोई भी पार्टिकल एसएचएम करता है तो हर पॉइंट पे पार्टिकल की कुछ न कुछ बेटा स्पीड होती है, वेलासिटी होती है, जिससे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बनती है। जब पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चलता है तो रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट उसको वर्क करना पड़ता है, जिससे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बनती है। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कर दो बेटा तो टोटल एनर्जी आ जाती है। इसलिए एसएचएम में पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, तीनों कॉन्सेप्ट हम लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, और हेडिंग लिखते हैं एनर्जी और पार्टिकल इन एसएचएम। एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल की एनर्जी तीन प्रकार की एनर्जी हम लोगों को स्टडी करना होगा। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और पार्टिकल की टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को के से इंडिकेट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को यू से इंडिकेट करेंगे और टोटल एनर्जी को ई से इंडिकेट करेंगे। टोटल एनर्जी बेटा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा? सम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग हम लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी या पार्टिकल इन एसएचएम। एसएचएम में पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। मीन पोजीशन पे बॉडी की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी मीन पोजीशन पे सबसे ज्यादा होगा। एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड जीरो हो जाता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। एसएचएम में पार्टिकल के वेलोसिटी हम लोग पढ़े हैं ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से एनर्जी तैयार करना। हो गया बेटा हाफ एम, वी का वैल्यू रख दो बेटा ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी का कितना अच्छा फॉर्मूला आ गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर रूट हट जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये याद रखना काइनेटिक एनर्जी का वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये इंपॉर्टेंट होता है। तो बेटा आप देख रहे हो यहां पर कि काइनेटिक एनर्जी पोजीशन पे डिपेंड है, के वाई पे डिपेंड है। वाई का वैल्यू अगर जीरो कर दो तो मीन पोजीशन पे आ जाओगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। वाई का वैल्यू मैक्सिमम ए प्लस माइनस ए कर दो, एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाओ, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। यानी काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड है? डिस्प्लेसमेंट पर।
यानी कंटिन्यूजी का ये फॉर्मूला एकदम से याद रहना चाहिए, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसलिए अगर इस फॉर्मूले का हम लोग स्पेशल केस देखें तो फर्स्ट फर्स्ट एट एट पॉजिटिव आर नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव आर नेगेटिव इंड पोजीशन, पॉजिटिव इंड पोजीशन चाहे नेगेटिव इंड पोजीशन दोनों पे देखा जाए तो वाई का वैल्यू या तो प्लस ए या तो माइनस ए होगा। अब यहां क्या करो, काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले में, काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले में लिख दो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस वाई के स्थान पर प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेटा हो जाएगा ए स्क्वायर। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजकल टू जीरो। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का जीरो होता है। जीरो होने का मतलब ये हुआ कि स्पीड जीरो, इंड पोजीशन पर स्ट्रीम पोजीशन पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों स्ट्रीम पोजीशन पे स्पीड जीरो हो जाता है, इसलिए कंटिन्यूटी जीरो हो जाता है। ठीक है, अब आओ सेकंड बात करते हैं। एट मीन पोजीशन, बेटा मीन पोजीशन पर सबको पता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में बेटा के इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और वाई के स्थान पे जीरो लिख दो, तो हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, इसको बोलेंगे के मैक्सिमम। तो इंड पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी बेटा मैक्सिमम होता है। ठीक है, स्ट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है इंड मीन पोजीशन पर, और एक्सट्रीम पोजिशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है। तो ये स्पेशल केस बेटा पता होना चाहिए, एकदम स्पीड के कारण ऐसा होता है। स्पीड चूंकि मीन पोजिशन पे मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी देखो मैक्सिमम होगा। अब आ बेटा इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट कर लें। ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट वाई, काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ यहां से हम लोग प्लॉट कर लें। के वाई ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां देख रहे हो बेटा काइनेटिक एनर्जी पे पावर वन है और वाई पे पावर टू है, तो काइनेटिक एनर्जी लीनियर है और वाई क्या है क्वाड्रेटिक है। तो काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के वाई ग्राफ जो होगा पैराबोला होगा। कैसा ग्राफ बेटा, पैराबोलिक ग्राफ। इधर प्लस डिस्प्लेसमेंट माइनस डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन और इधर हो जाएगा बेटा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो कि अभी पढ़े हो कि मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, स्ट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है, और ग्राफ क्या होगा पैराबोला, इसलिए ग्राफ ऐसे बनेगा मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम।
तो यहाँ मैक्सिमम कंटीन्यूअस हो गया और एक्सट्रीम पोजीशन पे कंटीन्यूअस जीरो हो गया। ये प्लस ए है, प्लस पॉजिटिव स्ट्रीम, ये नेगेटिव स्ट्रीम, यहाँ कंटीन्यूअस देखो जीरो, यहाँ बेटा कंटीन्यूअस जीरो, बट यहाँ का कंटीन्यूअस मैक्सिमम। मैक्सिमम कंटीन्यूअस कितना होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ये ए स्क्वायर। और ग्राफ कैसा होगा बेटा, पैराबोला, कॉन्वेक्स अपसाइड, पैराबोला का कॉन्वेक्स पोर्शन, कॉन्वेक्स अपसाइड, कॉन्वेक्स पोर्शन इसका क्या है, ऊपर है। तो ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट होता है, ये ग्राफ अक्सर एग्जाम में ऑप्शन के फॉर्म में ग्राफ बेटा दे देता है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमने फिनिश किया। टोटल हम लोग को क्या पढ़ना था, एनर्जी या पार्टिकल इन एसएचएम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ये फिनिश हो गया, अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने चल रहे हैं, उसके बाद से टोटल एनर्जी पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, वी का वैल्यू रख दिया, ये याद रहना चाहिए, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एंड पोजिशन पे, स्ट्रीम पोजिशन पे कितनी काइनेटिक एनर्जी होगा ये हमने बता दिया, ग्राफ प्लॉट करा दिया। अब नेक्स्ट हेडिंग होगा पोटेंशियल एनर्जी या पार्टिकल इन एसएचएम। सेकंड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल यू से इंडिकेट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी या पार्टिकल इन एसएचएम कैपिटल यू से पोटेंशियल एनर्जी को इंडिकेट करेंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी को समझ लो, जैसे मीन पोजीशन से, ये क्या होता है मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से पार्टिकल जब आगे बढ़ता है, मीन पोजीशन से पार्टिकल ऐसे आगे बढ़ता है तो ये आता है किससे, किधर बेटा, इंड पोजीशन की तरफ आता है। धीरे धीरे ये किधर आएगा, इंड पोजीशन की तरफ, और यहां से यहां तक इसका ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, ये ए होता है इसका एम्पलीट्यूड। लेकिन पार्टिकल ऐसे चलते हुए आया, अब मान लो ये यहां पर आ गया पार्टिकल, किसी पी पॉइंट पर ये पार्टिकल है, तो ये इसका कहलाएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट, ये इसका वाई डिस्प्लेसमेंट होगा। जो वाई डिस्प्लेसमेंट होगा, जब पार्टिकल यहां पर आएगा मीन पोजिशन से, तो रिस्टोरिंग फोर्स देख लो, डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। देख पा रहे इस बात का, यही रीजन है रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट, रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट उसको वर्क करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट बेटा वर्क करते हुए इसको आगे बढ़ना पड़ता है। यही रीजन है कि जो वर्क होता है वही एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। इसलिए वाई डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम वर्डर निकाल लें तो यहाँ की क्या निकल आएगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद से y का वैल्यू रख करके हम लोग कहीं कभी पोटेंशियल एनर्जी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन फाइंड कर लेंगे, वर्क डन फॉर y डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से वाई डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां पे बेटा जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ेगा, पता है कि एसएचएम में एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है, तो फोर्स वेरिएबल होगा, तो फोर्स यहां कांस्टेंट नहीं है, इसलिए फोर्स के स्थान पर हम लोग यहां लिखेंगे बेटा एवरेज फोर्स। कौन सा फोर्स, एवरेज फोर्स में डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, वर्डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एवरेज फोर्स में डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे।
और एवरेज फोर्स होगा बेटा, ये अगर फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट का फोर्स प्लस सेकंड पॉइंट का फोर्स अपॉन टू, ये होगा बेटा एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाई। मीन पोजीशन पर यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पर जो फोर्स होगा जीरो होगा, मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन जीरो, और पी पॉइंट पर फोर्स अगर यफ मान लें तो ये हो जाएगा अपॉन टू इंटू वाई। एवरेज फोर्स इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि वर्डेंस इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में यहाँ फोर्स जो होगा कांस्टेंट होगा नहीं सिस्टम में, इसलिए बेटा वर्क डन इज इक्वल टू हाफ यफ इंटू वाई, हाफ एफ इंटू वाई इज इक्वल टू हाफ एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वाई, जो कि बेटा हाफ इंटू मास, और एक्सेलरेशन होता है एक्सेलेरेशन किसी भी डिस्प्लेसमेंट पर ओमेगा स्क्वायर वाई, किसी वाई डिस्प्लेसमेंट ओमेगा स्क्वायर वाई इंटू वाई पहले से। तो इस तरह से ये आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यही उस डिस्प्लेसमेंट की हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए बेटा पोटेंशियल एनर्जी का वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये जल्दी याद नहीं रहता स्टूडेंट को, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर किसी डिस्प्लेसमेंट पर पोटेंशियल एनर्जी। अब वाई का वैल्यू जीरो कर दो तो मीन पोजिशन पहुंच जाओगे, मीन पोजिशन में देखो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया और एक्सट्रीम पोजिशन पे ये मैक्सिमम होगा, उल्टा होता है काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजिशन मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होता है। इसलिए कहा जाता है कि इसकी टोटल एनर्जी क्या होती है बेटा, कॉन्स्टेंट रहती है टोटल एनर्जी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सब फॉर्मूला याद रहना चाहिए। बात करते हैं स्पेशल केस की, स्पेशल केस में फर्स्ट एट मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, बेटा पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, वाई का वैल्यू जीरो रख दो, जीरो आ गया। एट एट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन या इंड पोजीशन दोनों तरफ, एट इंड पोजीशन वाई इज इक्वल टू या तो प्लस है या तो माइनस है, अब तुम वैल्यू रख दो तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई के स्थान पे प्लस माइनस ए का स्क्वायर, तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल होते हैं, यह आ गया बेटा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और जहां काइनेटिक एनर्जी जीरो वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। आओ ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर,
देख रहे हो फोर्स एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, यू लीनियर है, वाई क्वाड्रेटिक है, ग्राफ पैराबोला आएगा, पैराबोलिक ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव निगेटिव मीन पोजिशन, और इधर हो गया बेटा फोर्स एनर्जी। अब ग्राफ में बेटा आप लोग देख सकते हो कि यू लीनियर है, वाई क्वाड्रेटिक है, तो ग्राफ पैराबोला होगा, और पैराबोला का कर्व जाएगा किसके तरफ, लीनियर यू के तरफ। या देख लो ऐसे कि यहाँ पर मीन पोजिशन पे परसेंट जीरो होगा और एक्सट्रीम पोजिशन फोर्स एनर्जी मैक्सिमम होगा। इसलिए जिस तरह से देखो यू होता है उसी टाइप का ग्राफ होता है, यू के ही जैसे ग्राफ होगा, यू इसका ग्राफ यू के ही देखो शेप में होता है, देख रहे हो। इसका जो ग्राफ होता है फोर्स एनर्जी का अगर भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यू के ही शेप में इसकी फोर्स एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ग्राफ होता है, जिस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन है यू, वही ग्राफ। ये कैसा ग्राफ है बेटा, पैराबोलिक ग्राफ। हो जाएगा प्लस ए माइनस ए, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा मैक्सिमम, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ये भी ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है, इसको तैयार रखना चाहिए, और भूल जाए तो कहोगे अच्छा जैसा यू होता है उसी शेप में इसका ग्राफ भी होता है। अब आएगा टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन SHM, थर्ड टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। टोटल एनर्जी को कैपिटल ई से इंडिकेट करते हैं और एकदम आसान होता है, टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बोलो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो गया बेटा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर दिया और क्या। तो यहां से टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ये आ गया बेटा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, अरे इसे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहां से टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो गया, तो जो बचा वो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और टोटल एनर्जी की विशेषता देख लो बेटा, टोटल एनर्जी वाई पर डिपेंड नहीं होता, टोटल एनर्जी कांस्टेंट टर्म होता है, ये चेंज नहीं होता बेटा। टोटल एनर्जी कहीं भी SHM में पार्टिकल की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इट इज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्प्लेसमेंट। और ये टोटल एनर्जी देख लो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का यही फॉर्मूला है, और टोटल एनर्जी मैक्सिमम फोर्स एनर्जी के भी बराबर है। क्लियर हुआ? तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसलिए बेटा टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ पार्टिकल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ओमेगा को होगा 2 पाई n, तो इस तरह से इस पर डिपेंड होता है, बट टोटल एनर्जी इज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्प्लेसमेंट।
वाई पावर जीरो टोटल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं है, क्योंकि टोटल एनर्जी चाहे मीन पोजिशन पे देखो और चाहे एक्सट्रीम पोजिशन पे चाहे किसी पोजिशन पे, टोटल एनर्जी क्या रहता है बेटा, कॉन्स्टेंट रहता है। टोटल एनर्जी इज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा क्या रहेगा बेटा, कॉन्स्टेंट रहेगा। इसलिए अगर हम लोग टोटल एनर्जी का ग्राफ देखें, ग्राफ टोटल एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, तो डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में बेटा टोटल एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट रहता है। यहाँ देखो टोटल एनर्जी है, तो अब खास बात क्या है, यह है प्लस है, यह माइनस है, दोनों तरफ स्ट्रीम पोजीशन, स्ट्रीम पोजीशन बेटा। अब अगर देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखा जाए, तो पोटेंशियल का ग्राफ देखो ऐसे होगा, क्योंकि तो अब पोटेंशियल एनर्जी यू के जैसे, और यह हो गया ग्राफ किसका बेटा, काइनेटिक एनर्जी का। यह हो गया पोटेंशियल एनर्जी और यह हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ देखो काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। इसका मतलब इनका जो सम होगा ये बेटा यही कॉन्स्टेंट रहेगा, यही टोटल एनर्जी है। देख रहे हो, यह है टोटल एनर्जी, यह क्या रहेगा, कांस्टेंट। यह किस पे डिपेंड नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट पर। यह इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सारे फॉर्मूले बेटा एकदम से याद रहना चाहिए। अब आओ इस पे हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं। ये क्वेश्चन है अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग इन एसएचएम विद एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर। जो एम्पलीट्यूड है वो 4 सेंटीमीटर है, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितने डिस्प्लेसमेंट पर इट्स एनर्जी हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक, आधा काइनेटिक हो आधा पोटेंशियल एनर्जी हो, मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर हो, आधा आधा होगा तो दोनों बराबर होगी आपस में, तो वह वाई पूछ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, तो यू का वैल्यू हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो गया और आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बोलो इस हिसाब से देखा जाए तो सॉल्व करने पर ये आ गया 2y² इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू, वाई इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू, ए का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर अपॉन रूट टू, ये आ गया 2√2 सेंटीमीटर। यानी इतने डिस्प्लेसमेंट पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर होंगे, आधा काइनेटिक होगा आधा पोटेंशियल होगा, ये आंसर है बेटा 2√2 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे, सीधे एग्जाम में सब क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कंपटीशन में AI EEE 2006 में किस तरह से पूछा गया है एनर्जी पे, सेकंड लेवल का क्वेश्चन है असाइनमेंट का, सेकंड लेवल स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन 34 नंबर क्वेश्चन सेकंड लेवल का, बॉडी ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिक विद पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। टाइम पीरियड दिया है बेटा 2 सेकेंड, आफ्टर व्हाट टाइम कितने समय में काइनेटिक एनर्जी भी 75% ऑफ टोटल एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है वह बेटा टोटल एनर्जी का 75% है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 75% यानी 75/100 ऑफ टोटल एनर्जी ई, ये हो गया 3 और ये 4, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी। बोलो टाइम पूछ रहा है जिस समय काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का 75% हो, इस तरह से आ गया
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी। अब लगा दो बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला जल्दी स्टूडेंट को याद नहीं रहता, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम स्क्वायर यूज करेगा, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं याद आएगा। ये आ गया 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4a² - 4y² इज इक्वल टू 3a² आ गया। a² = 4y² y² = a² / 4, मतलब y = a/2। आधा डिस्प्लेसमेंट जाने पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का 75% होगा। अब ऐसा याद करो, मेन पोजीशन से हाफ एम्पलीट्यूड जाने में कितना समय लगता है, याद करो हमने बताया था T/12 समय लगता है, और टी दिया है बेटा कितना, 4 सेकेंड/12। टी दिया है कितने सेकेंड, 2 सेकेंड। टाइम पीरियड दिया है 2 सेकेंड, इसको 2 लिखेंगे। यहाँ पे अगर 2 लिख दें तो वह समय आ गया 1/6 सेकेंड। इतने समय के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का 75% होगा। तो ये सब फॉर्मूला याद रहना चाहिए बेटा, 1/6 सेकेंड, ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। आईटी मेंस 2019 का क्वेश्चन है, किस तरह से आईटी मेंस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है देख लो बेटा, खुद ही तुम लोग खुद ही देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। 54 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन द एम्पलीट्यूड ए अलोंग द एक्स एक्सिस अबाउट x = 0 व्हेन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विल बी। यानी कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है बेटा काइनेटिक एनर्जी, तो बस डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी बेटा हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसे ये कट गया, इसे ये कट गया, तो यहाँ से आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसलिए यहां से आ गया 2y² इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई टू, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया a/√2। बट क्वेश्चन में जो एम्पलीट्यूड है कैपिटल ए दिए हैं, तो आंसर आ गया देख लो a/√2। किस तरह से आईआईटी में एक क्वेश्चन बेटा आईआईटी मेंस 2019 में पूछा गया है, तो आंसर आ गया a/√2, डी ऑप्शन सही है। तो बस करना क्या है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है, टोटल है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये असाइनमेंट के सेकेंड लेवल का ये क्वेश्चन है, आईआईटी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन। एस एच एम में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ पूछ रहे हैं, एकदम आसान है, दिख रहा है बेटा। देखो हमने क्या बताया कि अगर यहाँ पर एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच हम लोग को ग्राफ देखना है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे बनता है, पोटेंशियल एनर्जी यू के जैसे बनता है, और काइनेटिक एनर्जी ऐसे उसके उल्टा बनता है। तो ऐसा देखो, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं, सीधे सीधे ग्राफ आईटी 2015 में पूछा है, भूल जाए अरे क्या होता है ग्राफ याद नहीं आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी को यू के जैसे बना लो, जैसा होता है वैसे उसका ग्राफ होता है, और काइनेटिक एनर्जी उसके जस्ट अपोजिट होता है ठीक है। तो इस तरह से आज हमने बेटा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी, यानी एसएचएम में एनर्जी ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल टोटल एनर्जी का कांसेप्ट हमने फिनिश कर दिया। इंपॉर्टेंट है इसको विशेष रूप से याद करना, एग्जाम में फॉर्मूला याद करके जाना, तभी इस पर क्वेश्चन कर पाओगे, ग्राफ भी इसका इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू बेटा, अब अगले टर्न पर हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखना, हम लोग आगे अब पढ़ेंगे, चूंकि ये सब कांसेप्ट फिनिश हो चुका है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का कांसेप्ट पढ़ेंगे, और सिंपल पेंडुलम के स्पेशल केस पढ़ेंगे, उसके बाद से स्प्रिंग पेंडुलम आ जाएगा, स्प्रिंग वाला, स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और लास्ट में टॉर्सनल पेंडुलम। अब टॉपिक द इंड की तरफ धीरे धीरे चल रहा है, जल्दी यह टॉपिक समाप्त हो जाएगा, और जैसे ही एसएसएम समाप्त होगा पूरी मैकेनिक्स फिनिश हो जाएगी, मैकेनिक्स लेंदी होता है, 12 टॉपिक मैकेनिक्स का होता है बेटा,
ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।